हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, सो स्वागत है आप लोगों का 100 डेज सर्वाइव इन आइस एज डायमेंशन। यस, ये एक पूरी तरह से डिफरेंट डायमेंशन है। यहाँ पे ओवरवर्ल्ड जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला, और ऊपर से यहाँ पे दिन और रात की डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल है। और इस वीडियो की गोल है, फर्स्ट हमें यहाँ पे 100 डेज टोटली सर्वाइव करना है, सेकेंड अपने लिए एक पावरफुल बेस बनाना है, एंड थर्ड इन सारे बॉसेस को खत्म करना है। सो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे 100 डेज? कॉज ये है हार्ड कोर, यानी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये हार्ड कोर मॉड अपने वर्ल्ड को पूरी तरह से करप्ट कर देगा। इस वर्ल्ड पे हम लोग दोबारा लॉग इन नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स गो। डे जीरो, मैं स्पॉन होता हूँ एक कैंप साइट पे। ये कैसा जगह है? पता नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एक जगह देख रहा हूँ, लिटरली जहाँ पे कोई भी डर्ट नहीं, ट्री नहीं, बस एक अजीब सा ग्रास टाइप की कुछ है, और ये क्रिएचर। आई थिंक ये सब होस्टाइल होगा। एंड यहाँ पे ठंड की वजह से मेरे पैर पूरी तरह से जम चुका है, जिसके लिए मुझे स्लोनेस मिल रहा है। वाओ, स्टार्टर लूट, लेट्स चेक। थैंक गॉड यहाँ पे वाटर बॉटल्स है, सो इसके मतलब मुझे बार बार नदी के पास भाग के जाने की ज़रूरत नहीं होगा। मैं पानी भर सकता हूँ, बट क्या मैं नदी के पास जा सकता हूँ? बाद में देखूँगा। तो मैंने यहाँ पे कैंप फायर में वाटर बॉटल्स को रख दी, और इससे अपने को मिल जाएंगे प्यूरीफाई वाटर, और थोड़े बहुत अपने पास लॉक्स भी मिल चुका था, यानी कि मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ। बस क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं, इसको मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे प्यूरीफाई वाटर के लिए शुगर कैन भी चाहिए, वो मैं बाद में देखूँगा। और अपना प्यूरीफाई पानी रेडी हो चुका था, और वह थोड़ा बहुत आग में भी जल चुका था। इतना गलतियाँ होते रहते हैं। ओके, आसपास थोड़े और देख लेता हूँ। नीचे से तो एनिमीज मुझे देख सकता है, मॉब्स। मुझे इस बेस को थोड़ा और सिक्योर बनाना होगा, ये उतना भी सिक्योर नहीं है। और उसके बाद मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल को अपग्रेड कर दिया क्राफ्टिंग स्टेशन में। कॉस टूल्स वूल्स इसी क्राफ्टिंग टेबल पे बनेगा, नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल पे बना नहीं सकता। और अपने जो क्राफ्टिंग स्टेशन है, इसको भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ कुछ ऐसे, और ये बन जाएगा मैटर कन्वर्टर। और अभी आगे के लिए काम के लिए यही ज़रूरत है, मैटर कन्वर्टर। यहाँ पे मैं टूल्स बना सकता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं क्राफ्टिंग स्टेशन पे। बट मैटर कन्वर्टर में अगर मैं रेसिपी चेक करूँ तो मुझे और भी एक्स्ट्रा रेसिपी देखने को मिल रहा है। ये लिटरली यहाँ के डर्ट को नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके नाम मुझे पता चला, इसका नाम है आइस ग्रास। सो आइस ग्रास को मैं यहाँ पे डर्ट पे कन्वर्ट कर सकता था, सो व्हिच इज़ क्वाइट ओपी। सो अपने को सारे चीज़ें मिल चुका था, और बिना मरे मैं वापस भी आ चुका हूँ, कॉज खतरा हर जगह है। और यहाँ पे डर्ट आ चुका था, और इस डर्ट से मैं ओक लिप्स बना सकता था, और इस ओक लिप्स से ओक सैपलिंग। सो ये चीज़ मैं क्राफ्टिंग स्टेशन में नहीं कर सकता, जैसे कि देख सकते हो। तो इसके लिए अपने को मैटर कन्वर्टर की ज़रूरत है, और ये आ गया अपने पास सैपलिंग। और सैपलिंग को मैंने यहाँ पे उगा दिया, अब बस इसकी ग्रो होने की इंतज़ार है। ओ गॉड, ये जगह कैसा, कितना अजीब है। और क्रिएचर धीरे धीरे मेरे बेस के पास आया जा रहा था, और उतने में मैं रियलाइज़ किया कि अभी रात था। लिटरली इस जगह पे दिन और रात की कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। हो डिफरेंट डायमेंशन। और लकीली अपना ट्री भी जल्दी जल्दी ग्रो हो चुका था, और मैंने यहाँ पे जो ट्री फार्म था उसको भी थोड़ा अपग्रेड कर दिया था। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं हुआ था, बट ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। और एक कंपोस्टर मैंने जुगाड़ कर दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा सैपलिंग है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, बेकार की स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब मेन प्रॉब्लम है कि मुझे पानी चाहिए, बट पानी लेने कैसे जाऊँ? देख सकते हो आसपास बहुत सारे मॉब्स है, और मुझे नहीं मालूम कौन होस्टाइल और कौन पीसफुल। उसके बाद मैंने अपने लिए एक वुडन बैटल एक्स बना लिया, कुछ नहीं से कुछ है, यही बढ़िया। अब आगे के लिए मैं स्पीड बीजिंग स्टार्ट कर दिया था, सस्ते वाला। थोड़ी देर जाने के बाद मैं पहुंच गया था बिल्कुल वाटर के ऊपर। अब जब भी मुझे पानी पीने की ज़रूरत होगा, मैं यहाँ से सीधा कूदने वाला हूँ। और ऊपर जाने के लिए मैं एक लेडर सिस्टम बना दूंगा, लेडर, और उसके मदद से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक मॉब दिखाई दिया, जो इवोकर एंड
प्लेजर की मिक्सिंग है। आई डोंट नो वो क्या कर सकता है, बट मैं उसके साथ अभी पंगा नहीं लेने वाला। और यहाँ से अपने को थोड़े बहुत प्लैंक्स मिल गया। अब थोड़े मैं आसपास एक्सप्लोरेशन के लिए निकला था, बाकी मुझे ये ध्यान रखना कि आसपास कोई मॉब ना हो। और यहाँ पर मुझे एक पेड़ दिखाई दिया था जिसको तोड़ा तो उसके ऊपर वाले सारे लॉक्स टूट गए। इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया है। और ये मेरे पीछे पड़ गया, लिटरली मैं यहाँ पे मर सकता था, पूरा गेम ख़त्म हो सकता था। मतलब ऐसे हालात पे आ गया था मैं, और बहुत मुश्किल से उससे बच गया था। अब ये वाले मॉब मुझे दूर से भी मार सकता है, सो इससे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए मैं अपनी तंबू में छुप गया। ओह थैंक गॉड, लकीली मैं बच गया था। और यहाँ पे मुझे प्यास लग चुका था बहुत ख़तरनाक, और यहाँ पे मैंने जंप मार दिया ताकि मेरे जो वाटर बार है ये फुल हो जाए। कभी कभी मैं पानी प्यूरीफाई करना भूल जाता हूँ, या फिर वाटर बॉटल भर के रखना भूल जाता हूँ, एंड ये हो जाता है। और इन लोगों का तो रोज़ का है। ओ भाई साहब, ये लोग हमेशा तकलीफ़ देते हैं मुझे। और सीरीज भी लगता है इन लोगों की वजह से ख़त्म होने वाला है। अब देखो एक और आ गया कहाँ से। और ये लोग डुप्लीकेट भी हो जाते हैं अपने आप, और ज़ॉम्बीज भी स्पॉन करते हैं, और ऊपर से स्पेल भी कुछ करते हैं। ओके ख़त्म हो गया। ये देखो यार भाई साहब, नकली जादू, किसी काम का ही जादू नहीं है। अब यहाँ से मैं आइस डायमेंशन की स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉज मुझे आयरन चाहिए, और आयरन के लिए स्टोन पिकैक्स चाहिए। और यहाँ पे एक टर्की था जो मुझे मार रहा था, सो उसको भी मैंने टेम कर लिया। अब इसके मदद से मैं दूसरे मॉब्स को मार सकता हूँ, बाकी ये अपने को फॉलो नहीं करने वाले। बाकी जिसे मैं मारूँगा उसे ज़रूर मारेगा, इसे मारना पड़ेगा। और यहाँ पे लामास भी है, सो इससे भी लेदर वेदर ले लेते हैं, कॉस आगे अपने को लेदर की भी बहुत ज़रूरत होने वाला है। और लीज भी मिल चुका है, सो मैं अपनी टर्की को अपने साथ ले जा सकता हूँ। कि ये भी आ चुका है। कहाँ पे गया? एंड जब मैं अपनी टर्की को साथ में ला रहा था, सो मेरे पीछे ये इवॉकर स्लैश इल्यूजनर मेरे पीछे लग गया। ओके आई थिंक इस बार मैंने नाम सही से बोला है, इल्यूजनर। और इसको एक बार मैं हिट मार रहा हूँ, तो एक बार मेरे टर्की हिट मार रहा है। सो हम लोग इसके साथ खेल रहे थे और टर्की जीत गया। नाइस शॉट। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा फॉक्स भी दिखाई दिया था, और आते वक्त मैंने उसको भी अपने साथ बंदी बनाकर ले आया। सॉरी, ऐसे चीज़ें चलते रहते हैं। सो ऊपर के लिए चलते हैं। एंड ये फॉक्स ऊपर नहीं आ रहा था मेरे साथ, तो ऐसे मैंने इसे ऊपर लाया, और मेरे माइंड पे एक आइडिया आया, थोड़े ख़राब टाइप के आइडिया है। बाय द वे नो एनिमल्स हार्म्स टू मेक दिस वीडियो। सो इसको ऐसे लगा देते हैं, ये लग गया यहाँ पर रस्सी। अब नीचे चलते हैं, नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं इसे बांध के रखा हूँ और ये नाच रहा है। एंड दिस इज द ड्रोन शॉट, बट कॉपीराइट के लिए मैं वो वाला म्यूजिक नहीं डाल पा रहा। और यहाँ पे अपने को थर्स्ट मिल चुका था। अब इससे पहले मैं मर जाऊँ तो जल्दी से कूद लेता हूँ, वरना सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आई मीन वीडियो। और मरने से मैं बच गया, और सैडली इन लोगों की रेट हमेशा मेरे घर पे पड़ जाते हैं। मुझे इन लोगों का भी कुछ करना पड़ेगा। और देखो ये अपना स्पेल्स कास्ट करने लग गया, भाई नकली जादू है, बस जॉम्बीज ही स्पॉन कर पा रहे हैं। देखो कहाँ पे जॉम्बी स्पॉन करवा दिया, मेरे सर के ऊपर। ओह तो बहुत देर तक इन लोगों के साथ लड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे एक न्यू बेस चाहिए, बट उससे पहले अपने को बहुत सारे गियर्स चाहिए, और उससे पहले अपने को पानी चाहिए। कम ऑन यार, ये किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है अपना सीरीज, तो जल्दी जल्दी भागते एंड पानी में कूद जाते। ओह फाइनली बच गया था। और यहाँ पर मैंने अपने लिए ग्रैवल बना लिया, और ग्रैवल से मैं यहाँ पर स्टोन बना लिया, और स्टोन को तोड़ के कबल स्टोन। अब आगे काम के लिए मुझे चाहिए था फर्नेस, तो इसके लिए मैं कबल स्टोन कलेक्ट करने में लग गया। अब इसके बाद मैंने अपने लिए एक स्टोन पिकैक्स बना लिया, कॉज अभी अपने को आयरन भी चाहिए। और इससे स्टोन टूटता है, बट बहुत धीरे धीरे टूटता है।
सच में बहुत स्लो है ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ओके सो इतने सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली आपने पास आ चुका था फर्नेस। अब काम और भी ज़्यादा ओपी हो जाएगा। और यहाँ से मैंने बना लिया था आयरन ओर, और उसके बाद मुझे चाहिए था एक अच्छा सा स्वॉर्ड जिसके लिए मैंने बनाया हैंडल, और हैंडल के साथ मैंने मिक्स किया आयरन ओर, और उसके साथ अपने पास आ चुका था आयरन रैपियर। ये सबसे बेस्ट है कॉज इसकी अटैक स्पीड भी बढ़िया है एंड डैमेज भी। और ये मॉब्स की तो परेशानी है, इसे मैं टू शॉट में मार सकता हूँ, सो बढ़िया है एक तरह से। हम लोग सर्वाइव करने के लिए थोड़े और इम्प्रूव कर चुके हैं, और ये अभी तक अपने पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं है। सो डिफेंस के लिए अपने को आर्मर बहुत जल्दी बनाना है, और कैंप फायर में अगर मैं रॉटन फ्लेस रखूँ तो वो लेदर में बदल जाएगा। सो हो गया लेदर की जुगाड़। अब थोड़ी आसपास को मैं लाइट अप कर रहा हूँ ताकि कोई भी मॉब्स स्पॉन ना हो। सो मुझे मॉब्स की कुछ करना होगा कॉज यहाँ पे दिन रात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात है कि दिन। और अब आ चुका है अपने पास आयरन की चेस्ट प्लेट, उसी के साथ मैं थोड़ा चौड़ में घूमने में लग गया कॉज अभी हमारे पास अच्छा खासा प्रोटेक्शन आ चुका था, बाकी फुल्ली आर्मर नहीं है। फिर भी देखो मैं कितना उड़ रहा हूँ। और आसपास अपने को थोड़े बहुत स्ट्रक्चर दिख रहा था, एंड अपने जैसे एक कैंप फायर सेटअप भी मिल चुका था देखने को। और इसमें अगर मैं चेक किया तो मुझे थोड़े बहुत खाने की चीज़ें एंड वाटर बॉटल मिला है, विच इज़ गुड कॉज पानी की तो आगे की मुझे ज़रूरत है। जितना हो सके उतना मैं बॉटल कलेक्ट करने वाला हूँ। और सामने मुझे एक टेम्पल देखने को मिला था जो आइस टेम्पल है, जैसे डेजर्ट टेम्पल होता है बिल्कुल आइस टेम्पल। और टेम्पल के अंदर एक जानवर था जो मुझे मारने वाला था। ओके तो मुझे थोड़ा सा सावधानी से खेलना होगा, प्लीज़। ओके एक हिट इसने मारा, एक हिट मैं मारूँगा, कम ऑन, धीरे धीरे। ओके एक लास्ट शॉट एंड ओके मर गया। एंड इसी के साथ साथ मैं मरने से बच गया था, और मैंने खुद को यहाँ पे पैक कर लिया एंड खाना खा लिया ताकि जल्दी जल्दी मैं अपने को हील कर पाऊँ। थोड़े बहुत हील करने के बाद मैं इस टेंपल के ट्रैप को देख रहा था, इसकी ट्रैप थोड़ा अलग है, सो इससे बचने के लिए सबसे मुझे बेस्ट लगा साइड से डिग डाउन करते करते नीचे जाना। एंड मेरे पिकैक्स काफ़ी कचरा पिकैक्स है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं डिस्पेंसर चेक कर रहा था, और इसमें मुझे दो इंस्टेंट डैमेज वाला पोशन मिला, वो भी लेवल 2 का, यानी कि समझ सकते हो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कूदने गया एमएलजी से बच भी जाऊँगा पर इंस्टेंट डैमेज से नहीं। और यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत मॉब लूट देखने को मिला एंड एक बैम्बू जो बहुत काम की चीज़ है, बाद में देखा जाएगा। और यहाँ पे भी सेम है, थोड़े बहुत मॉब लूट्स। इस टेम्पल की सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है ये डायमंड की ब्लॉक, बट इसके लिए मेरे पास अभी आयरन के पिकैक्स नहीं है, वो मैं बाद में देखूँगा जब मेरे पास आयरन की पिकैक्स आ जाएगा। और अगर मैं इससे तोड़ने की कोशिश करूँ लगता तो नहीं मुझे वापस मिलेगा, इतना स्लो है, तो बाद में देखेंगे। और मैं यहाँ पे ट्रैप को तोड़ दिया ताकि कोई परेशान नहीं ना हो। एंड यहाँ पे मुझे एक छोटा सा कैसल देखने को मिला था, तो मैंने ठान लिया कि इसे लूटने ही वाला हूँ। और हाँ यहाँ पे जो टॉर्चेस था वो मैं पहले से ही लगा के गया था, और इसके वजह से देख सकते हो ये लोग स्पॉन हो जाते हैं। एंड डैमेज काफ़ी बढ़िया है इन लोगों का, नॉट बैड बोल सकता हूँ और नॉट सो गुड। एंड ऊपर गया तो ऊपर मुझे एक कीपर की स्पॉनर दिखाई दिया, और चेस्ट पे थोड़े बहुत खाने की चीज़ें हैं, और एक सल्कर बॉक्स है, दो सल्कर सेल, यही काफ़ी चीज़ है। अब अपने को मिल चुका था डायमंड एंड शुगर केन, मतलब अब प्रोग्रेस और भी जल्दी जल्दी होने वाला था। और इसको मैंने तोड़ा नहीं कॉज अगर फ्यूचर में मुझे गन की एमो बनाना है तो मैं यहाँ पर आके गन पाउडर ले सकता हूँ, और ये मेरे बेस के पास ही है, सो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड अब नीचे वाले चेस्ट को चेक करने का टाइम आ चुका है, लेट्स चेक इट। आई थिंक ये एक्सपी फार्म के लिए है, वो सब बाद में देखूँगा। सो अब मैं आ चुका हूँ अपनी सीट फार्म पे, व्हीट फार्म पे। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी व्हीट फार्म को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइनली मेरे पास आ चुका था आयरन की पिकैक्स, यानी कि मैं सारे ओट्स माइन कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट किया एंड उसके साथ साथ डायमंड की ओर, यस तो अपना फर्स्ट डायमंड ओर माइन हो चुका है यहाँ पर, और उसके साथ साथ गोल्ड और अपना डायमंड की ब्लॉक, उसको कैसे भूल सकता था। तो सारे चीज़ें मैंने वहाँ से उठा के लाया, और उसके साथ साथ मैंने अपनी यहाँ पे शुगर केन फार्म को भी इंक्रीज़ करने में लगा दिया। और उसके बाद मैं अपने लिए एक बेस बनाना स्टार्ट कर दिया,
बिकॉज अभी मुझे एक अच्छा खासा प्रोटेक्टिव बेस चाहिए। मेरे कैंपफायर में हमेशा कोई ना कोई रेड मार ही देता है, इससे अच्छा मैं अपने लिए एक खुद का बेस बना लेता हूँ। और ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना, मैं एक बिल्डर नहीं हूँ और ऊपर से आलसी बंदा हूँ, सो आलसी वाला बेस ही बनाऊँगा मैं। ज़्यादा कुछ डिज़ाइन विज़ाइन नहीं होने वाला, बस इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता हूँ, आई मीन ईजी होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्ले बना लेता हूँ डर्ट एंड ग्रेवल से, और उस क्ले से सैंड बना लेता हूँ, बिकॉज अपने को चाहिए ग्लासेस, और ग्लासेस सैंड से ही बनता है पिघला के। और यहाँ पे हो गया ग्लासेस के इंतज़ाम, एंड घर कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने अपने सारे सामान को घर पे शिफ्ट कर दिया, और ये हो चुका अपना एक छोटा सा गरीबों का कोठा। इस मे बी नॉट साउंड रॉन्ग। और यहाँ पे एक छोटा सा नेदर वार्ड फार्म बनेगा स्लैश पोशन रूम। और अभी देखो, मैंने इस महारानी को बनाया था ताकि ये स्टार्टिंग में हमें स्टार्टर रिसोर्सेज दे सके, और अभी महारानी स्पॉन हो रहा है। क्या ही बोलूँ, देखो इससे वुड शुगर के लेदर सारी चीज़ें मिल सकता था, इवन हम लोग अपनी। और ये देखो, ये बातें ख़त्म नहीं करने देता, ये लोग आ जाते हैं। भाई साहब मर गया हो, और ये हाफ पार्ट पे रुक गया, ये हाफ पार्ट पे रुकने वाला है, और इससे चीज़ें खरीद सकता हूँ। वैसे बेचना ही सही होगा, मुझे एमरल्ड की ज़रूरत होगा। और मैं फिर से डायमंड ब्लॉक माइनिंग पे लग गया था, बिकॉज अभी आपने को चाहिए था फुल सेट डायमंड आर्मर, जो उसके लिए मैं डायमंड ब्लॉक माइनिंग में लग चुका था। देन मैंने बनाया एक सबसे ओपी वाला एक्स, इसे बोल सकते हो हेलबेट ऐसा कुछ बोलते हैं। पॉकेट एडिशन में पहली बार देख रहा हूँ, जावा में मैंने बहुत बंदों को खेलते हुए देखा है, खुद तो कभी खेला नहीं। और डिस्पेंसर में कभी कभी इंस्टेंट हेल्थ के पोषण भी नहीं रहते थे, और ये बंदा फिर से मुझे मारने आ गया था। और इसकी एक ही परेशानी है कि ये मुझे हमेशा हाफ हार्ट पे छोड़ देता है, मतलब कोई भी कभी भी आके मार सकता है। सो मैंने डिसाइड किया कि इसकी जो पॉइजन ड्यूरेशन है उसे कम कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक आइस वाला आउटपोस्ट देखने को मिला था, मतलब ये आउटपोस्ट बिल्कुल नॉर्मल माइनक्राफ्ट के आउटपोस्ट से बिल्कुल अलग है। और इसके अंदर ही गया तो इसकी स्टेयर वाली पोजीशन भी अलग है, और मुझे यहाँ पे कोई प्लेजर नहीं दिख रहा था। आई जस्ट शॉक्ड कि यहाँ पे प्लेजर क्यों नहीं है। सो ऊपर चलते हैं, एंड ऊपर जाने के बाद देखा इसकी स्पॉनर ही खाली है, स्पॉनर में कुछ ही नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो चुका है, उसे मैं बाद में फिक्स कर दूँगा। तो इसे भी तोड़ देते हैं, एंड लूट्स ठीक है, ये है यहाँ का लूट्स। सो नट्स बैट, अपने को यहाँ पर नेदर राइट्स कैप दिख गया था, और पीछे से एक टर्की ने हमला कर दिया था। मतलब इस वाले वर्ल्ड पे जीना काफ़ी मुश्किल है, कोई ना कोई मार के जाएगा। और अपने को यहाँ पे मिल गया था फ्लोटिंग कैसल, सो इसमें तो जाना बनता है। आई होप यहाँ पे अच्छे खासे लूट मिल जाए अपने को। सो लूट की आशा में घुस जाते हैं हम लोग, और अंदर अपने को मिल गया था एक ब्लेस और दो इनएक्टिव स्पॉनर एंड एक एक्टिव स्पॉनर। इसे तोड़ने के बाद अपने को नीचे थोड़े बहुत नेदर रिलेटेड चीज़ें मिल चुका था। एक और प्लेजर आउटपोस्ट के साथ मुलाकात हो चुका था, एंड टाइम आ चुका है लेट्स चेक कि यहाँ पे प्लेजर स्पॉन हो रहे कि नहीं। आई होप स्पॉन हो गया, ओके हो रहा है हो रहा है। एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हाँ वही तो, मतलब ये लोग एरोस के साथ साथ पास आने पर मार भी सकते हैं। और यहाँ पर मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था, एंड बचने के लिए मैं सीधा नीचे कूद गया। एंड यहाँ पर सेम हाफ हार्ट एक्सपी एक्सकेप, और अब बन चुका है अपने पास डायमंड बैटल एक्स विथ 30 अटैक डैमेज। फिर भी स्टिल ये अभी भी वीक है इन लोगों के सामने। ओ भाई साहब, ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब अपने डायमंड बैटल एक्स की भी कोई इज्जत नहीं है, कॉज ग्रुप पे है। एंड बहुत मुश्किल से इन लोगों को मैंने डाउन किया और इनके स्पॉनर तोड़ दिया। अब आ चुके हैं उस चीज़ को बनाने जिसके लिए सब लोग ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ऐसे करने से अपने पास आ जाएगा पार्ट बिल्डर, तो पार्ट बिल्डर को यहाँ पर रखते हैं। अब इससे हम लोग गन्स के पार्ट्स बना सकते हैं, ये देखो। सो अपने को मेन चीज़ बनाना है स्टॉक, रुक जाओ, ये लॉन्ग बैरल एंड शॉर्ट बैरल, ये स्टॉक, ये बनाना है अपने को।
और स्टॉक बनाने के बाद आपने को चाहिए पार्ट बिल्डर एंड इसके बाद एनविल इसके नीचे और दोनों साइड पे आयरन एंड आयरन के बाद इसके ऊपर भी आयरन। ओके यहाँ पे आयरन रखते हैं। ओके ये आ गया गन फोर्च, ये फोर्च टाइप की है गन फोर्च और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको ऐसे खोलूँगा सो एक मिनट रेसिपीज लेट्स चेक। ओके सो ये है शॉर्ट गन की रेसिपी। यहाँ पे आपने को एक चीज़ चाहिए था वो मैं भूल गया था ट्रिगर, सो हमें यहाँ पे ट्रिगर को बनाना पड़ता है। यह आ गया अपने पास बुलेट शॉर्ट गन की बुलेट। सो आप हमेशा अपनी गन के नाम देख लेना उसी के नाम से हिसाब से आप बुलेट बना लेना। और ये राइफल की बुलेट कॉज अपने को स्नाइपर भी चाहिए, लॉन्ग रेंज पे गन सही है। इसको ऐसे हम लोग फुल नहीं कर सकते, इसके फुल करने की रेसिपी अलग है, आई मीन सिस्टम अलग है रेसिपी नहीं। सो हमें ऑफ हैंड पे गन की बुलेट को पकड़ना होगा ऐसे, और जिस हैंड पे और मेन हैंड पे अपने को गन लेना है, क्राउच करना है एंड होल्ड करना है स्किन को, और यहाँ पे गन की ड्यूरेबिलिटी जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। देखो बाकी गन दूर से फायर करने में काम का है, पास में कोई काम नहीं ऐसे। और मेरा एम बहुत बुरा है बिकॉज मैं तलवार और एक्स से लड़ने वाला प्लेयर हूँ, फर्स्ट टाइम गन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा मेन काम था ऑब्सिडियन कलेक्ट करना, बिकॉज अभी मुझे बनाना है अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल। सो उसके लिए अपने को ऑब्सिडियन चाहिए एंड बुक्स अदर्स चीज़ अपने पास है। सो अपने को बस ऑब्सिडियन चाहिए एंड यहाँ पे फ्री का एक डायमंड मिल जाएगा, अगर फॉर्चून हो तो बहुत बढ़िया, वरना एक ही डायमंड और मिल जाएगा आई मीन डायमंड। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत पेपर्स बना लेता हूँ एंड उसके बाद बुक्स एंड उसके बाद बुक सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चाहिए बुक्स एंड बुक्स आ जाने के बाद यहाँ पे बन जाएगा अपना एन्चेंटमेंट टेबल। एंड एन्चेंटिंग के लिए अपने को चाहिए लैपिस लजुली, और लैपिस लजुली क्राफ्ट करने के लिए अपने को गोल्ड चाहिए और रॉटन फ्लैश चाहिए। रॉटन फ्लैश तो मैं यहाँ से ले लूँगा, कम ऑन और ज़्यादा जॉम्बिस दो, जॉम्बिस चाहिए अपने को और भी जॉम्बिस स्पॉन कर यार, इतने से काम नहीं चलने वाला। अरे तू क्यों आ रहा है, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, जॉम्बिस को भेज। ओ जॉम्बिस स्पॉन नहीं करना चाहता, ये खुद ही आ रहा है। ओके उसने किया बहुत बढ़िया, ओके तुमने किया, नहीं नहीं इस वाले ने क्या होगा जिसने खड़ा है, जो यहाँ पर खड़ा है, चलो कोई बात नहीं जिसने भी किया अपने को जॉम्बिस से मतलब। ओके तो और जॉम्बिस के रॉटन प्लस चाहिए अपने को, कम ऑन। ओके तो अपने पास इन चीज़ें आ चुका है, अब बना लेते हैं अपने लिए। ये आ गया गोल्ड आयरन। ओके ये क्या है, हाँ ये क्रीपर भी तो है भाई, क्रीपर क्रीपर की जैसी काम करने वाला है, और क्या करेगा, ठीक है नॉट बैड। और अब अपने को चाहिए वाइट वूल, वाइट वूल के लिए अपने को इस वाले वूल को डाई करना होगा। डाई का तो टेंशन नहीं है, अपने पास इनफ स्केलेटन की बोन्स है, आई मीन बोन्स है, तो बोन से बोन मिल्क एंड बोन मिल्क से डायरेक्टली डाई। यस हमें वाइट डाई बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और यह आ गया अपने पास गोल्ड के ब्लॉक, और यह आ गया लैपिस लजुली। सो नाइस, अब हम लोग एन्चेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी गन को एन्चेंट किया अनब्रेकिंग एंड इन्फिनिटी से, अनब्रेकिंग है और इन्फिनिटी है, तो समझ ही जा सकते हो अभी क्या होगा। यस अनलिमिटेड एमओ, अब एमओ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी आर्मर है उन सबको अपग्रेड कर लिया एंड बूट्स को छोड़ के कॉज नेदरराइट इनगॉट्स ख़त्म, और अपने आर्मर को एन्चेंट। और यहाँ पर मुझे ड्रैगन की साउंड आ रहा है, बहुत ख़तरनाक ड्रैगन की साउंड आ रहा है। देखते हैं कहाँ पर है ड्रैगन। ओके सामने है ड्रैगन, अब देखते हैं अगर हरा पाऊँगा तो बहुत बढ़िया। हो सो गन है, बैटल एक्स है, और क्या चाहिए, बस चलते हैं। सो मारो ड्रैगन। ओके आइस ड्रैगन है, आइस ड्रैगन, और ये आइस ड्रैगन मुझे यहाँ पे फ्रेस किए जा रहा है, कम ऑन ऐसे ऐसे यार कम ऑन। हो ये आइस ड्रैगन का भी पावरफुल है, नॉट बैड लाइक दिस, बट इसकी जो मेन प्रॉब्लम है ये मुझे यहीं पर ही फ्रीज करवा रहा है, और गन्स भी मैं ठीक से एम नहीं कर पा रहा, वैसे भी मैं ठीक से खड़ा होकर भी एम नहीं कर पाता। ओके यार ये बहुत बुरी बात है, ये मुझे जमा दे रहा है,
कम ऑन यार, इसके एम लगाने भी नहीं देता। ओह क्या दिक्कत है, बैटल एक्स ही मारने की कोशिश करता हूँ। गन्स तो पास कोई काम नहीं करने वाला, लॉन्ग रेंज है। कम ऑन थोड़ा सा शॉर्ट रेंज पे आने दे, एक हिट मारना है, ये बस एक हिट का मेहमान है। कम ऑन लग चुका है और मर भी चुका है। ओह भाई ये बहुत देर तक चला है, बस कट के लिए ऐसा लग रहा है। अरे यार ये भी परेशानी दिक्कत है। और यहाँ पे अपने को मिल चुका ड्रैगन एग, सो उठा लेते ड्रैगन एग। अब अपने पास आ चुका है ड्रैगन एग, ड्रैगन ड्रैगन। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मुझे रिवॉर्ड पे मिल चुका ड्रैगन की हेड, जस्ट वेट। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो ये ड्रैगन की कलर। अब मुझे बनाना है कस्टम मोड्स, कॉज माइनिंग एंड कलेक्टिंग तो इजी है, सो क्राफ्टिंग सबसे हार्ड होते हैं। सो यहाँ पे अपने को सारे वर्ड्स को अपग्रेड करना है एंड उन सब को एक साथ मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद बनेगा हर्ट, और इन हर्ट से हम लोग आर्मर बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने फॉर्चून की मदद से यहाँ पे कैरेट माइन किया, कॉज फॉर्चून से अपने को ज़्यादा मिलने वाला है फॉर्चून। और जितने भी कैरेट मिला था उन्हें गोल्डन कैरेट में कन्वर्ट कर दिया जितना हो सके, सॉरी। और मेरे जो कैंप फायर है उसी के साइड पे एक पेड़ है, और उसी पेड़ के ऊपर अपने को एक मैप मिल जाएगा जो है येती बॉस का मैप। एंड उसे मारने से पहले अपने को एक और बॉस मारना है, बट उसका रास्ता सेम ही है एती एंड एती उस वाले बॉस की, जिसको फर्स्ट म्यू भी बोला जाता है। सो लेट्स चेक फर्स्ट माओ के म्यू रहे। और देख ही सकते हो जावा वाला ही है, बस थोड़ा सा अलग है। एंड यहाँ पे इसे किसी ने मार के जगा के रखा था। भाई साहब बहुत ज़्यादा शोर करता है ये, यहाँ पर डैमेज तो कुछ खास दे नहीं सकता, कॉज इसके सामने खड़ा होना पड़ता है। ये फ्रीज कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। शो मी योर फ्रीजिंग पावर। ओके दिखा रहा है अपना फ्रीजिंग पावर। मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला, कॉज अपने पास है सेकंड बेस्ट टोपी आर्मर। कुछ ज़्यादा बड़ा नाम बोल दिया, आइस आर्मर। आइस आर्मर के सामने ये टिक नहीं सकता, और ये हर किसी को मार रहा है। भाई साहब क्या दिक्कत क्या है इसका, पीसफुल वाले को भी मार रहा है ये। अब मरने वाला है, ये मरने वाला है। कम ऑन ख़त्म। ओके तो इससे मुझे कुछ मिला भी है और बहुत सारे एक्सपी, नाइस। और इसे एक बार चेक करके देखते हैं आइस क्रिस्टल। भाई ऑनेस्टली ये किसी काम का नहीं है, बस साउंड ही ज़्यादा हो रहा है आई थिंक 1.17 की वजह से, या फिर मैंने ब्लॉक ब्रेकिंग ऑफ कर रखा है इसलिए, बाद में देखेंगे। और ये मैं पहुंच चुका हूँ येती की बेस पे, सो अब देखते हैं। और येती अभी सो रहा होगा शायद आई थिंक, सो इसे जगाना है ये देखो, और इसे ऐसे ही मारेंगे तो ये जग जाएगा। एंड जागने के बाद अपने को मारना शुरू कर देगा। देख सकते हो इसे थोड़े बच बच के लड़ना होगा अपने को। एंड इसी टाइम मेरा वाटर बार खाली हो चुका था, सो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, वरना मैं मर जाऊँगा। सो मुझे यहाँ पे मरना नहीं है, मरूँगा तो पता ही है क्या है, इट्स हार्ड कोर। एंड जल्दी से पानी ले लेता हूँ। ओके पानी आ चुका है आपके पास, अब इसको निपटाना है। और पता नहीं ये मेरे से दूर क्यों भाग रहा है, आई थिंक ज़्यादा पिट चुका है इसलिए। कोई बात नहीं मारूंगा तो मैं फिर भी, चलो मर चुका है। और ये आपके पास आ चुका है स्कल, ये थी कि स्कल मिल चुका है, अब बस मुझे एक और स्कल चाहिए। और ये है आइस क्वीन की मैप, सो आप फाइट होने वाला है आइस क्वीन के साथ, सो लेट्स गो। और ये रास्ते में मुझे एक बैटल टावर मिला था, जिसको लूट के मैंने फैंटम मेमरीन एंड एक गॉड एप्पल निकाल लिया था। और फिर से मैंने एक आउटपोस्ट लूटा था, जिससे मुझे नेदर वॉट मिल चुका था, और सामने एक फ्लोटिंग कैसल था, सो उसको भी मैंने लूटा, वहाँ से मैंने ब्लेस रॉड का इकट्ठा किया। और अपने लिए थोड़े बहुत बैंडेज बना लिया, बिकॉज आगे मुझे बैंडेज की बहुत ज़रूरत है। और ये मैं पहुंच चुका हूँ आइस क्वीन के बेस पे, तो कोऑर्डिनेट देख सकते हो। एंड मुझे यहाँ से ऊपर जाना है तभी उसे मार पाऊँगा। इसके पास फ्लोटिंग कैसल है, सो ये है आइस क्वीन की फ्लोटिंग कैसल, कुछ भी बोल सकते हो। और आई थिंक स्वयंवर के टाइम में आ चुका हूँ,
सारे दूल्हे आ चुके हैं एंड अरे यार मैं क्वीन नहीं हूँ, मेरे ऊपर मत टूटो। ओह क्या ठीक है, इन्हें मैं संभाल सकता हूँ बट इतने ज़्यादा को नहीं। कम ऑन एक एक करके आओ। आई थिंक इनमें से किसी ने मुझे ब्लाइंडनेस दिया है, इनके बॉस ही मुझे ब्लाइंडनेस दे सकता है, सो मुझे बॉस को ढूंढना होगा। और यार ये भी दिक्कतें है। ओह ये एरिया तो बहुत ज़्यादा मॉब से भरा है, इतना ज़्यादा मॉब्स होगा तो मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं होगा। एंड सामने मुझे क्वीन दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है ये भी मर चुका है। बस अब ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे आसपास नहीं दिखने वाला आसपास क्या है। ओके पड़ा 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 पड़ा, क्वीन नहीं मारा। ओके ठीक है, मुझे क्वीन के हाइट से अभी बच के रहना होगा, ये सबसे खतरनाक है, इन नमूनों से मैं डरता नहीं। ओके सी इज़ रियली क्यूट, आई गॉट क्रैश ऑन यू हर एंड आई एम गोना प्रपोज विथ माई बैटल एक्स, लेट्स फाइट। बट दिक्कत यहीं पर हो चुका है कि इसकी हेल्थ बार नहीं दिख रहा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुका है और ये डैमेज दिए जा रहे अच्छी तरह से। कम ऑन रुक जा, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और आइस में मैं फिसल रहा हूँ, कितना बहाना मारूँगा। ओके थोड़े ऊपर चलते हैं एंड गन से मारने की कोशिश करता हूँ, एम बहुत घटिया है, इससे अच्छा मैं बैटल एक्स ही चला लेता हूँ। कम ऑन मर जाने, व्हाट द हैक, ये क्या है, आइस क्वीन स्टेज टू। भाई साहब यार ये स्टेज टू में बहुत भद्दा दिखता है, बिलीव भी भाई साहब कितना गंदा लग रहा है देखने में, चुड़ैल लग रहा है चुड़ैल, इतनी देर तक क्यूट था अब चुड़ैल लग रहा है। कम ऑन पापा की पड़ी, अब पापा की चुड़ैल बन चुका है। और जा भाई साहब इससे मुझे डर लग रहा है देख के, ओ ख़त्म होने वाला, ख़त्म होने वाला, हम जल्दी 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 ऊपर 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 ऊपर, कहीं पर कोई शेल्टर नहीं, प्लास्टर ले जल्दी जल्दी प्लास्टर ले। ओहो नहीं 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 नहीं, अभी नीचे नहीं जाना, इसके रेंज से मुझे बाहर जाना होगा। ओके जगह मिल गया अपने को, इसके टावर के ऊपर ही जाने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके जल्दी 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 अपने 600 IQ मैं यूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो मैं बाद में बताऊँगा। इसे थोड़े मुझे साइड की ओर ले जाना होगा, इसे मुझे नीचे धक्का देना है बट ये रुकेगा तो, और आई थिंक अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। जल्दी 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 ऊपर चल। ओके जल्दी ऊपर 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 हो ले, ऊपर हो ले, यहाँ से मारने की कोशिश करूँ, नहीं मारा। अब अपनी 600 IQ यूज़ करके देखता हूँ, अब शायद गिर जाएगा। कम ऑन सही जगह निशाना लगा, थोड़े आगे चल। ओके गिर गया और आई थिंक उसे अच्छा खासा फॉल डैमेज भी पड़ने वाला होगा। अरे यार अपना पानी के बाल भी खाली हो चुका है, खाली होने वाला है, सो इसमें कूद जाते जल्दी से। कम ऑन यार कूद जा। ओके कूद गया, बहुत बढ़िया, अब रुक जाएगा, हाँ रुक गया। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं ये पापा की बड़ी क्या हालत पे है, इतने ऊँचे से गिरा है, पैर पैर तो टूट ही जाएगा। ओके इसे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी हेल्थ डाउन हुआ है, मतलब मुझे अभी भी इसके साथ बहुत देर तक लड़ना है। इसकी तो देखो यही तो दिक्कत है, ये मुझे बहुत जल्दी जल्दी डैमेज दिए जा रहा है। ओ भाई साहब इतने डैमेज मैं सहन नहीं कर सकता एंड ये मरने वाला है। भाई साहब बहुत देर तक मैं इसके साथ लड़ रहा हूँ, स्टेज वन भी बहुत देर तक लड़ रहा हूँ, अब स्टेज टू तो उससे भी डबल है। भाई साहब क्या दिक्कत है इसका, मर जा प्लीज़ 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 मर जा प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके मर गया, इसकी स्कल डब किया है इसने, बहुत बढ़िया। बस अब यहाँ से निकल जाते और घूम के भी नहीं आने वाला, बाय। और यहाँ पर मैं हाफ HP पे बचा हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो हाफ HP हुआ और जल्दी जल्दी रीजेनरेशन हो गया और मैं उसके डेथ जोन से भी बाहर आ चुका था। एंड घर पे लौटने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ड्रैगन एक को रख दिया था और उसके साइड पे मुझे बकेट रखना था, वाटर कुछ ऐसे, और ये बन गया था आइस ब्लॉक। अब इसके अंदर एक हैच होगा और जो मुझे स्कल मिला था आइस क्वीन एंड येती थे उनको मैंने मिक्स करके आइस ब्लड ड्रैगन ब्लड में कन्वर्ट किया और अपना जो आइस आर्मर था उसको मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया, तो इससे बन गया ड्रैगन आर्मर। और ये चीज़ अपग्रेडर वाले क्राफ्टिंग टेबल पे होगा जो आपके सामने है, टेक्सचर कुछ ऐसा है। तो ये अपने पास आ चुका था फुल ड्रैगन आर्मर, सो हम लोग यहाँ पे फुल्ली पावरफुल बन चुके हैं और उसी के साथ साथ ये आर्मर अपने को बहुत सारे पावर्स दे रहा है।
मतलब इस आर्मर में यहाँ पे मरना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। बट सैडली अपना जो ड्रैगन है उसकी एक अभी तक हैच नहीं हुआ है, और उसकी जो स्कल मिला था उससे भी हम लोग आर्मर बना सकते हैं, ड्रैगन आर्मर, जो उसी के नाम का होगा। एंड इसकी स्कल कुछ ऐसा दिखता है कलर की वजह से, इसकी टेक्सचर कोई इशू नहीं है, बस कलर ही कुछ ऐसा है इस ड्रैगन का। और इसी के साथ अपना 100 डेज भी कंप्लीट हो जाता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ड्रैगन की एक तो हैच नहीं हुआ है, सो इसको अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा है, कोई भी सजेशन देना है तो दे सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वाह वाह, अरा अरा, सायोनारा।